हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है फ्रेंड्स, आरआरबी एलपी वाले कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ, एलपी वाले कैंडिडेट्स का जो है डिवीज़न अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो कितने छात्रों का डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया और ये कौन से जोन्स में किया गया और कौन से डिवीज़न में किया गया, प्लस इन सारे डिवीज़न जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है, इनका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा। कुछ छात्रों का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है एंड कुछ छात्रों का अभी भी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हम विस्तार से जानेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। और टोटल यदि देखा जाए तो 689 छात्र सिलेक्ट हो गए और इनका ज्वाइनिंग लेटर भी आना स्टार्ट हो चुका है, कुछ का भी बाकी है। प्लस ये जो है ज्वाइनिंग लेटर आना आ चुका है, ये आरआरबी मुंबई और आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत जो डिवीज़न है उसमें आया है। ठीक है, तो ये जानकारी हम पूरे इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट्स के लिए। तो और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के बीच, सो देट उनको भी ये पूरी अच्छे से जानकारी हो। और यदि आपके मन में कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहला पैनलिस्ट देख लेते हैं जो डिवीज़न अलॉट किया गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता जो। ठीक है, तो पर्सनल ये सारे जितने आपके जो डिवीज़न अलॉटमेंट होते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर से ज़रूरी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे पर्सनल चीफ ऑफिसर देखते हैं, आपको जो पता होगा। ठीक है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट में ही आपके सारे ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से इशू होते हैं। प्लस आपका जब डिवीज़न अलॉट होता है तो वहीं जाके आपको सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग असिस्टेंट लोको पायलट CN1 2018 लिखा हुआ है। इस पैनल में जो है नेम ऑफ द आरआरबी लिखा हुआ, देखिए बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर का ये आरआरबी है और इसमें टोटल 190 कैंडिडेट्स का डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा आपका जानकारी है। देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ नेम है, अच्छे से मैच कर लीजिएगा। और कम्युनिटी आप देख लीजिएगा आपका जो कम्युनिटी है। प्लस यहाँ पर देखिए डिवीज़न या यूनिट अलॉटेड, कौन सा डिवीज़न आपका अलॉट किया है। देखिए, आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत नागपुर डिवीज़न भी आता है, तो यहाँ देखिए नागपुर डिवीज़न के छात्र हैं। ठीक है, यहाँ नीचे तक देखिएगा। जी हाँ, यहाँ तक आ गए हम। यहाँ देख सकते हैं नीचे 190 टोटल 190 कैंडिडेट्स का आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत जो भी है उनका डिवीज़न नागपुर अलॉट किया गया है। ठीक है, 190। तो कुछ छात्रों का तो आ चुका है डिवीज़न, मतलब ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन कुछ छात्रों का ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हो चुका है, जो कि आने वाले दिन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड, यदि आपके मन में कुछ भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। मैं आपके जो भी कैंडिडेट्स है जो का जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है इस डिवीज़न में, मैं आपको पता करके बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिवीज़न की तरफ जिनका अलॉट हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से मैंने ओपन किया, सेंट्रल रेलवे का अंतर्गत आता है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं CN1 2018 और ये जो है आरआरबी मुंबई की तरफ से। ठीक है, पहला वाला आरआरबी बिलासपुर और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका टोटल पैनल बनाया गया है डिवीज़न जिनका अलॉट हुआ है वो 65 कैंडिडेट्स का हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, कम्युनिटी और डिवीज़न यूनिट अलॉटेड। तो ये आरआरबी मुंबई का है और ये इसमें देखिए, इसमें अलग अलग डिवीज़न, उसमें देखे थे नागपुर डिवीज़न सबका अलॉट किया गया आरआरबी बिलासपुर में, और इसमें देखिए सोलापुर डिवीज़न भी है, मुंबई भी है, भुसावल भी है। ठीक है, और यहाँ नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए इसमें पुणे भी है। ठीक है, पुणे भी एक है और आपका नीचे बस इतनी ही है। तो इसमें देखिएगा तो टोटल 65 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है आरआरबी मुंबई की तरफ से, जिसमें इतने सारे डिवीज़न अलॉट किया गया। ठीक है, तो जिसका भी डिवीज़न अलॉट किया गया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एटलीस्ट ये बता दिए कि मुझे कौन सा डिवीज़न अलॉट किया गया। ठीक है,
तो मुझे एटलीस्ट पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर या जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, एटलीस्ट पता चले कि कितने कैंडिडेट्स का इन डिवीज़न में अलॉट किया गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे डिवीज़न अलॉटमेंट लिस्ट पे, उस पर भी हम देख लेते कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये फ्रेंड देखिए ये तीसरा लिस्ट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, सेंट्रल रेलवे का ही है और इसमें देखिए डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग एंड नेम ऑफ RRB मुंबई। ठीक है, तो मुंबई का दो लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, पहला वाला बिलासपुर का था। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल अच्छा खासा पैनल लिस्ट में 434 कैंडिडेट्स का डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया RRB मुंबई में, और इसमें देखिए रोल नंबर, सीरियल नंबर, नेम, कम्युनिटी और डिवीज़न यूनिट अलॉटेड यहाँ दिखा। तो इसमें भी देखिए भुसावल एक डिवीज़न है RRB मुंबई में, सोलापुर है, ठीक है, मुंबई तो है ही, आपका नीचे ये पुणे भी एक डिवीज़न है जो कि RRB मुंबई में आता है। ठीक है, और यहाँ नीचे जाइएगा तो आपके सारे यही डिवीज़न मिलेंगे, मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर। ठीक है, और इसमें हम चेक कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट किया गया जिनका डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा जैसे मैंने आपको बताया 434 कैंडिडेट्स का डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया, तो जिनका भी डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया इन डिवीज़न में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए। ठीक है, सो दैट सारे छात्र ये पता कर पाए कि हमारा कब तक आएगा, या किन्हीं का यदि जॉइनिंग लेटर आ चुका है तो भी अपना एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 689 है, तो पहले में मैंने बताया कि 190 है, दूसरे में 65 है और तीसरे में 434 है। ठीक है, तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो 689 कैंडिडेट्स का पैनल लिस्ट जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है या आने वाला बाकी है, तो उनका डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया, आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके मन में यदि कुछ भी क्वेरी जो डिवीज़न अलॉटमेंट के लेके या ज्वाइनिंग लेटर को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। प्लस मैं एक चीज़ आपके लिए और एक खुशखबरी लाया हूँ कि आपके लिए मैं जो रेलवे की जो ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग में क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है इन सारी जानकारियों के साथ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, चाहे वीकली टेस्ट हो या एक महीने में टेस्ट हो, तो वो टेस्ट में आपको सारे टिप्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट्स के लिए, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, एंड कुछ भी क्वेरी जो प्लीज़ बेझिझक हो के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे फालतू सवाल मत पूछेगा। ठीक है, क्योंकि फालतू सवाल पूछने वाले भी बहुत सारे हैं कैंडिडेट्स से, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप तक एक सही न्यूज़ में पहुंचाऊं और जितना हो सके मैं कैंडिडेट्स का हेल्प कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ कुछ कैंडिडेट्स का तो जैसे कि एक कैंडिडेट से मैंने बात भी किया जो आसनसोल डिवीज़न में, उनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और उनका जो है सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और ऊपर से उनका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया। फिर कुछ कैंडिडेट्स का मेरे जो सिलीगुड़ी में पहले से स्टार्ट हो चुका है, प्लस कुछ कैंडिडेट्स RRB मुजफ्फरपुर में भी एक महीना ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं। तो इन सारी जानकारियों के साथ मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने से मैं आपको अच्छे से आपको पता चलेगा कि हाँ जो भी चीज़ें हैं जो आपके साथ होने वाली है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।